Hey everyone, this is me, Thor Porat, और आज मैं बनाने वाली हूँ Yes, Avatar the Last Airbender, but in my style. So let's go. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे एवेटार द लास्ट एयरबेंडर की लाइव एक्शन सीरीज। तो मैंने देखी हुई है उसकी ओरिजिनल एनिमेटेड सीरीज, एंड ऑनेस्टली वो एक ऑसम सीरीज है जिसको मैंने आई गेस दो तीन बार ही देखा है। उसके बाद आई एम नाइट शामलम की लाइव एक्शन मूवी, विच वॉज आई कैन से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिक्रिएशन था एवेटार का। बट इंस मैंने डिसाइड किया है कि मैं इन कैरेक्टर्स को रिक्रिएट करूँगी अपने स्टाइल में। तो चलो करते हैं हमारी वीडियो शुरू। तो सबसे पहला काम है हमें अपने कैरेक्टर जो हम बना रहे हैं उसके रेफरेंसेस कलेक्ट करना है। एंड सिंस मैं बना रही हूँ एवेटार के कैरेक्टर्स, तो उसमें 5 कैरेक्टर्स हैं टोटल मेन, जिसमें एंग है, किटारा है, सोका है, जूको है एंड टफ है। तो मैं इन कैरेक्टर्स की रेफरेंसेस कलेक्ट करूँगी। अब वो रेफरेंसेस हो सकती है मे बी उनका टर्न अराउंड, उनके एक्सप्रेशंस और अलग अलग पोजेस, तो वो सब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर लो। तो वही मैं कर रही हूँ। देन आता है जैसे ही आपने रेफरेंसेस कलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या ऐसी कोई इमेजेस आपको मिल रही हैं जिसमें 5 कैरेक्टर्स इकट्ठे हैं, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया मिले कि कैसे आप इन 5 को एक साथ दिखा सकते हो। तो मैंने वैसे भी कुछ इमेजेस सेव करी। तो अब टाइम आ गया है पोजेस करने का। क्योंकि ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, तो मैंने सोचा कि मैं कोई बहुत ही एक्सट्रीम पोजेस नहीं देखूंगी, मैं बहुत ही सिंपल स्टैटिक पोजेस लूंगी। तो मैं गई पिंटरेस्ट में और मैंने पिंटरेस्ट में सर्च किए पोजेस फॉर किड्स। क्योंकि मैंने ये सीरीज देखी है, तो मैं जिन पोजेस से रिलेट कर पा रही थी या जिन पोजेस को विजुलाइज कर पा रही, तो मैंने वो स्पेसिफिक पोजेस सेव कर लिए। तो फाइनली अब टाइम आ गया है टू स्केच। उसके लिए मैं ओपन करूंगी फोटोशॉप और उसमें कॉल करूंगी जो भी मैंने पोजेस सेलेक्ट किए थे उनको कॉल करूंगी। तो ये वीडियो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में स्केचिंग द कैरेक्टर्स, बिकॉज इसमें टोटल 5 कैरेक्टर्स है जिनको मैं बनाने वाली हूँ, एंड सेकेंड वीडियो होगी जिसमें मैं इंकिंग एंड कलरिंग के बारे में बताऊंगी। तो ये हो गए मेरे पोजेस सिलेक्ट और सेपरेट, और इन सबको मैंने एक ही लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे खड़ा कर दिया है। तो जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले है सोका, देन टफ, देन एंग, देन किटारा और देन जूको। तो चलो ये हो गए हमारा कैरेक्टर पोजेस फाइनल। अब बढ़ते हैं हम आगे। सिंस मेरे एक स्टाइल है कैरेक्टर की क्लोदिंग का, तो उसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूंगी रेफरेंसेस। एंड उसके लिए मुझे ध्यान रखना है कि कौन से क्लोदिंग जो मुझे दिख रही है वो कौन से कैरेक्टर को सूट करेगी। तो मैं गई फिर से पिंटरेस्ट पे और मैंने सिलेक्ट किए कुछ कैरेक्टर क्लोथ्स जो मेरे विजन के हिसाब से उन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को सूट करेंगे। तो अब टाइम आ गया है फाइनली कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करने का। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ एंग को। एंग के लिए मैंने अपने कैरेक्टर रेफरेंसेस कॉल करी, एंड देन जो उसका कैरेक्टर पोज मैंने डिसाइड किया था उसके ऊपर मैंने उस कैरेक्टर के लुक को रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही मैंने बाकी सारे कैरेक्टर्स भी क्रिएट कर लिए विद एक्सप्रेशंस। तो अब टाइम आ गया है उनपे वो क्लोदिंग डालने का जो हमने सिलेक्ट की थी। तो अब एक एक करके जो मैंने कैरेक्टर क्लोदिंग्स डिसाइड की थी वो मैं क्लोदिंग उन कैरेक्टर्स को पहनाने वाली हूँ। Feel it.
फाइनली ये हो गया है मेरा स्केचिंग पार्ट। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, कौन सा कैरेक्टर बनाना है, अपना या कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, वो डिसाइड करना है। देन उसके रिलेटेड पोज डिसाइड करना है। अगर आप खुद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप जब शुरू कर रहे हैं, अपने हाथ बैठाना चाहते हैं, तो आप पोजेस के रेफरेंसेस भी ले सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड आ गया है क्लोथ्स, कि कैसा क्लोथ्स आप उनको दिखाना चाहते हैं। तो आप मिक्स एंड मैच करके, बहुत सी रेफरेंसेस को करके आप उनको वो कैरेक्टर्स को पहना सकते हैं। देन हमारा ये सब जब हमारी रेफरेंसेस कलेक्ट हो जाए, टाइम आता है रफ स्केच करने का। तो हमारे रफ स्केच करने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे हमारे क्लोथ्स, एंड ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी प्रैक्टिस और लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, एंड देन आपके ऑब्वियसली कैरेक्टर डिज़ाइन की भी जो क्वालिटी है और जो प्रैक्टिस लेवल है वो बढ़ेगा। तो ये है मेरी वीडियो 1 ऑफ स्केचिंग कैरेक्टर्स। तो इसमें मैंने बताया आपको कैसे मैं एवेटार के कैरेक्टर्स रिक्रिएट किए अपने स्टाइल में, एंड कैसे आप भी अपनी कैरेक्टर डिज़ाइन की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं, ताकि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आए एंड आपके प्रैक्टिस लेवल और प्रैक्टिस एबिलिटी बढ़े। तो अगर आपको प्रोसेस समझ आ गया है, अगर आपको पता चल रहा है कि कैसे करना चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए एंड ट्राई दिस आउट। नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं इंकिंग और कलरिंग के बारे में बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीक आएगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। Mm-hmm.